हेलो एंड वेलकम बैक आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ सो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन जानेंगे क्या इनके एस्पेक्ट हैं क्या इनके मीनिंग एंड डेफिनेशंस हैं क्या इनके फेजेज हैं एंड सो so ऑन So, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं सो आई ये लेट्स बिगिन विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सो देखिए समझते हैं कि क्या इसका मीनिंग है क्या इसके मायने हैं क्या इसकी डेफिनेशंस हैं सो देखिए द वेव ऑफ इकोनॉमिक इंटरकनेक्टनेस एंड इंटर डिपेंडेंस हैज़ एक्सटेंडिड सो फार डेट इट इज़ पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम टू कंसीव ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ सिंगल ग्लोबल एंटिटी दिस इज़ देंस इन विच इकोनॉमिक लाइफ हैज़ बिकम बॉर्डरलेस ये कहा है ओहेम ने देखिए ये जो है ये इसका बेसिक मीनिंग है बेसिक डेफिनेशन है जो ओहेम ने नाइनटीन नाइनटी के अंदर दी थी इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो द दैव ऑफ इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस मेकिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ बॉर्डरलैस सिंगल ग्लोबल एंटिटी तो देखिए इन्होंने कहा था कि जो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ये एक तरीके की वेव है इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस की एंड इंटर की ये देखिए जो इंटरकनेक्टेडनेस है और जो इंटर है ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में भी बहुत मायने रखते हैं जिनका मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है ठीक है ये जो है ये मेक करते हैं द वर्ल्ड इकोनॉमी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको बॉर्डरलेस सिंगल ग्लोबल एंटिटी में ठीक है ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जिसको ओहिम ने 1990 के अंदर दी थी वहीं इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ शिफ्ट फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ डिस्टिंक्ट नेशनल इकोनॉमिक्स टू अ ग्लोबल इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन इज इंडस्ट्रलाइज्ड एंड फाइनेंशियल कैपिटल फ्लोज फ्रीली एंड इंस्टेंटली ये जो डेफिनेशन है ये ओ ई सी डी नाइनटीन नाइन्टी फाइव में दी थी ठीक है इनका कहना था कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि ये शिफ्ट हो गई है वर्ल्ड डिस्टिंक्ट नेशनल इकोनॉमी से जो नेशनल इकोनॉमी है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, अर्थ है उससे ये ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट हो गई है ठीक है जहाँ पर जो प्रोडक्शन है ठीक है वो इंडस्ट्रियलाइज होता है फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो फ्लो करती है फ्रीली एंड इंस्टेंटली ये कहना था ओ सी डी नाइनटीन नाइन्टी फाइव में ठीक है वहीं और जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एब्जॉर्बशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स इनटू एन इंटरलॉकिंग ग्लोबल इकोनॉमी देखिए जो इसमें इंटरलॉकिंग वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरलॉकिंग मतलब भी इंटरकनेक्टेड है इंटर डिपेंडेंस है इन ये इस डेफिनेशन के अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो नेशनल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल जो ग्लोबल इकोनॉमी है उससे इंटरलॉक हो गई है ठीक है दैन डिनोटेड आइडोलॉजिकल विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म बहुत से जो पीपल्स हैं बहुत से जो ऑथर्स हैं उनका ये भी मानना है कि ये डिनोट करती है आइडोलॉजिकल विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म जो कैपिटलिज्म की जो आइडोलॉजिकल जो न्यू लिबरलिज्म है लिबरलिज्म है उसकी एक तरीके की विक्ट्री है ये ठीक है जिसके अंदर जो न्यू लिब्रलिज़म है जो मानते हैं कि मार्केट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड कंपिटिशन है ठीक है वर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड देखिए जो ओवरऑल जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है जो वर्ल्ड वाइड है उसमें क्या जो market है, है जो मार्केट है ठीक है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड जो कंपटीशन है वो एक्सेप्ट करा जाता है ठीक है जिसको हम ग्लोबल कैपिटलिज्म कहते हैं वहीं इसको हम त्रिहम्प भी कहते हैं न्यो लिबर न्यू लिबरलिज्म का जैसे कि न्यू लिबरलिज्म का मानना था कि ये जो है जो न्यू लिबरलिज्म है जो अभी भी है ये एक पार्टिकुलर फॉर्म है कैपिटलिज्म की ठीक है जिसमें जो मेन टर्म्स जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि मिनिमल स्टेट होगा मैक्सिमम मार्केट होगा लिबरलाइजेशन होगा डीरेगुलेशन होगा प्राइवेटाइजेशन होगा इंडिविजुअलिज्म होगा एंड डेमोक्रेटाइजेशन होगा जिसमें ये पॉइंट्स थे ठीक है न्यू लिब्रलिज़म जो आइडियोलॉजी थी ये एक पार्टिकुलर फॉर्म है कैपिटलिज्म की जिसको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन भी मानते हैं और देखिए आजकल की जो लोग हैं आजकल जो आजकल के जो पीपल्स हैं वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को भी कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसको ही ग्लोबलाइजेशन मानते हैं ठीक है वो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है एंड जो ग्लोबलाइजेशन है उसको एक जैसा मानते हैं एक समान मानते हैं जो पीपल्स हैं उनको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं नज़र आता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या डिफरेंस है एंड जो सिंपली ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या डिफरेंस है इसलिए बहुत से जो पीपल्स हैं वो इस जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इसको इसकोली मानते हैं ग्लोबलाइजेशन ठीक है एंड देखिए ये न्यो लिबरल आई भी है देखिए अगर अब आप देखिए जो आपने इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़ा होगा थर्ड सेमिस्टर के अंदर ठीक है उसके जो उसके अंदर जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव थे जिसमें एक सबसे पहले जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो पर्सपेक्टिव था जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था वो रियलिस्ट था देन लिबरलिस्ट था ठीक है तो देखिए जो न्यो लिबरल है एंड जो न्यो रियलिस्ट है वो इसमें ए, एक एकदम एक समान माने जाते हैं इसके अंदर ठीक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं ठीक है अगर आप न्यू लिबरल के जो परस्पेक्टिव हैं उनको देखेंगे एंड जो न्यो रियलिज्म के जो पर्सपेक्टिव है उनको देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक समान ही नजर आएंगे ठीक है सो न्यो लिबरल आई आर ऑल्सो डिनॉट मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी डैट हैव ब्लेंडेड लिबरल एंड एंड रियलिस्ट आइडियोलॉजीज़ सो so स्टूडेंट्स इस प्रकार जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो डिफ़ाइन होता है ठीक है उसके जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो इस प्रकार डिफाइन होते हैं सो आई होप आपको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या मीनिंग है क्या डेफिनेशनस हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के देखिए जब भी आप जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है जो एंड्रयू हेविड द्वारा लिखी गई है जब भी आप उस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो डिफरेंट फेजिज़ के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी उसकी ठीक है देखिए अब हम बात करते हैं फेजिज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखिए जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर मेन टू फेजेज़ हैं ठीक है एक तो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेकर अर्ली नाइनटीन तक जिसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं दैन नेक्स्ट है सिंस नाइनटीन से जो कि वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं आइए समझते हैं क्या इनके मीनिंग है क्या इनके डेफिनेशंस हैं सो आइए समझते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेकर अर्ली नाइनटीन तक रहा वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि 1945 से लेकर एंड नाइनटीन तक क्या रहा ब्रेटन वुड्स सिस्टम देखिए जो ब्रेटन वुड्स है ये अमेरिका में एक जगह है जहाँ पर जो जो डेले, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके जो फेमस कंट्रीब्यूटर्स थे ठीक है उन्होंने एक मीटिंग करी थी जो कि ब्रेटन वुड्स के अंदर करी गई थी एंड इसलिए जो भी उस मीटिंग के अंदर हुआ उसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं सो so, अरेंजमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इन द पोस्ट वार पीरियड विच बिकेम नॉन एज द ब्रेटन सिस्टम देखिए जितने भी अरेंजमेंट करने थे देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब एंड हुआ तो उसके बाद जो कंट्रीज़ थे ठीक है जो जो कंट्रीज़ थे उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हर्ट करा गया ठीक है जो कंट्रीज़ थे वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा तहस तहस हो गए ठीक है तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए कि कैसे उनकी भरपाई की जाए ठीक है कैसे उनको डेवलपिंग नेशंस बनाया जाए तो इसके अरेंजमेंट के लिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो था उसको अरेंजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो था उसको मैनेजमेंट करने के लिए पोस्ट वार पीरियड के अंदर ठीक है विच बिकेम नॉन एज द ब्रेटन वुड सिस्टम जिसको ब्रेटन एन सिस्टम कहा जाता है ठीक है देखिए जो ब्रेटन वुड सिस्टम है उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो ये थे कि ये जो सिस्टम था ये रूल्स इंस्टीट्यूशनस एंड प्रोसीजर्स टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मोनीट्री सिस्टम इसके अंदर क्या हुआ इसमें जो बैठक हुई जो संधि हुई ठीक है जो सिस्टम जो मैनेजमेंट हुआ वो ये था कि जो भी सिस्टम है ठीक है जो रूल्स के सिस्टम है इंस्टीट्यूशनस हैं प्रोसीजर्स जो हैं ठीक है रेगुलेट करने के ठीक है इंटरनेशनल मोनीट्री सिस्टम के ठीक है इसके ऊपर चर्चा की गई ठीक है देन इसके अंदर क्या चर्चा करी गई कि जो इसके अंदर ये कहा गया कि जो सिस्टम जो रूल्स का सिस्टम है जो इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम है जो जो प्रोसीजर्स हैं वो कैसे रेगुलेट होंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर ठीक है देखिए इसकी जो कारभार संभाली वो अमेरिका ने संभाली ठीक है उन्होंने कहा कि हम किस तरह जो एक्सचेंज जो फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट जो है उसको कैसे करके चलेंगे तो उनका मानना था कि जितनी भी नेशनल करेंसीज़ हैं उनको पैक्ड करेंगे हम यूएस डॉलर के अंदर ठीक है वो उनका मानना था कि जो यू डॉलर है उसको हम गोल्ड के समान मानेंगे ठीक है गोल्ड से उसको इंटरलिंक करेंगे पैक्ड करेंगे ठीक है जिसमें जो जो करेंसीज़ हैं द नेशंस की वो कन्वर्ट करी जाएंगी यूएस एस डॉलर के अनुसार ठीक है यूएस डॉलर की एक जैसे कि गोल्ड जो है वो पैंतीस डॉलर एन ऑन्स यानी कि अगर कोई भी करेंसी या किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी अगर एक्सचेंज करनी है तो वो एक पैंतीस जो एक ऑन्स है ठीक है उसके ऊपर बेस्ड होगी यानी कि देखिए कोई भी करेंसी को अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज की करेंसी के अंदर तो यू डॉलर के सामान जो है वो गोल्ड को रखा गया ठीक है वहीं जो आईएमएफ है ठीक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एंड वर्ल्ड बैंक जो है उसका भी सेटअप हुआ इसी के इसी सिस्टम के अंदर ठीक है बट देखिए सिस्टम जो है ये ज़्यादा चला नहीं ठीक है इसका क्या हुआ ये कोलेब्ब्स हो गया 1971 के अंदर जिसमें जो यू से है वो टर्मिनेट हुआ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द यू डॉलर टू गोल्ड देखिए जो आई है यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है ठीक है जिसको हम वर्ल्ड बैंक से जानते हैं ठीक है वो भी इसी के इसी सिस्टम के अंदर के इसी सिस्टम के कारण एग्जिस्टेंस में आया ठीक है जून 1946 के अंदर सो देखिए इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स रेगुलेशन एंड सपोर्ट ठीक है द इंटरनेशनल मोनेटी फंड आई एम एफ विच केम इन टू ऑपरेशन इन इन मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है यू एस से अबनडेड दिस्टम ऑफ फिक्सड एक्सचेंज रेट्स ठीक है ये जो है कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस सिस्टम के देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इस सिस्टम के क्रक्स की बात करें तो वो था फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट को बनाना ठीक है सिस्टम ऑफ रूल्स इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मोनिट्री सिस्टम सो so, ये था डब्ल्यू डब्ल्यू सेकेंड से लेकर अर्ली नाइनटीन सेवनटीज तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कि नाइनटीन सेवनटी वन के अंदर कोलेब्स्ड हो गया अब देखिए अगर आपको ये जानना है कि कैसे इसका कोलैप्स हुआ ब्रेटन वुड सिस्टम का ठीक है तो देखिए जो एंड्रयू हेवुड है उसके अंदर ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस करा गया है आप उसको पढ़कर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था कैसे इसका कोलेब्सड हुआ ठीक है क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए क्या इसके सिग्निफिकेंस रहे एंड सो ऑन सो आई होप आपको ब्रेटन वुड सिस्टम का थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सिस्टम क्या था ठीक है एंड ये कब कोलेप्स हुआ सो so, आइए अब नेक्स्ट जो फेज है उसकी बात कर लेते हैं जो कि सिंस नाइनटीन एटीज से रहा ठीक है जिसको वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं या फिर न्यू लिबरल फेज भी इसको कहते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है ठीक है तो देखिए द टर्म द वॉशिंगटन कंसेंसस वॉज कॉइंड बाय जॉन विलियमसन टू डिस्क्राइब द पॉलिसीज डेट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड इन वाशिंगटन द आई एम एफ एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द यू एस ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखिए स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ये सबसे पहले कॉइन करी गई थी जॉन विलियमसन के थ्रू 1990 के अंदर 1993 के अंदर इसका पर्पस ये था कि डिस्क्राइब करना था ठीक है पॉलिसीज़ को डेट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिस पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं वो बेस्ड हैं वाशिंगटन के अंदर ठीक है चाहे वो आई एम एफ हो वर्ल्ड बैंक हो यू एस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो ठीक है ये एक तरीके की संधि नहीं थी पर आप कह सकते हैं कि संधि की तरह ही था ठीक है जिसमें जो मेन फोकस था वो ये था कि कंसेंसन्स कंसेंसन्स ऑन पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एंड यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट इसमें देखिए मैंने कंसेंसन्स हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है वो है जैसे कि फिजिकल डिसिप्लिन जिसमें कि कटिंग पब्लिक स्पेंडिंग भी आप कहते हैं देखिए जो ये फिजिकल डिसिप्लिन है जिसमें कटिंग पब्लिक स्पेंडिंग जो है इसका मतलब ये है कि जो भी आप अर्न करते हैं जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं जो रेवेन्यू है आप उसको अलग से खर्च करेंगे ठीक है जो आप जो आपका रेवेन्यू है सिर्फ आप उसको ही खर्च करेंगे स्पेंड करेंगे ठीक है देन है टैक्स रिफॉर्म जो भी टैक्स है आप उनको रिफॉर्म करेंगे ठीक है कटिंग आप देखिए जितनी भी पर्सनल एंड जो कॉपरेट टैक्सेस हैं ठीक है आप उनको कटिंग करेंगे ठीक है उनको टैक्स रिफ़ॉर्म के थ्रू उनको एलेबोरेट करेंगे ठीक है उनको आप थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे ठीक है जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंसेसन्स की तरह मानेंगे तो देखिए फिजिकल डिसिप्लिन टैक्स रिफ़ॉर्म दैन फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन जो इसमें मेन पॉइंट्स है जिसके अंदर जिसके अंदर जो डी रेगुलेशन है फाइनेंशियल मार्केट्स का कैपिटल कंट्रोल्स का वो इसके अंदर लागू करा गया ठीक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज ठीक है अब इसमें फिक्स्ड रेट नहीं रहा इसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रहा ठीक है करेंसीज का कमोडिटीज़ का ठीक है इसमें डी रेगुलेशन रहा जिसमें अबोल्यूशन करा गया रेगुलेशन का डेट इम्पीड मार्केट एंट्री और रेस्ट्रिक्ट कंपिटिशन ट्रेड लिबरलाइजेशन फ्री ट्रेड ओपननेस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए एफडीआई इसमें ओपननेस रही ठीक है प्राइवेटाइजेशन रहा आउटसोर्सिंग रहा जो भी प्राइवे जो भी पब्लिक जो भी जो भी चीज़ पब्लिक थी ठीक है जैसे टेलीकॉम कम्युनिकेशंस वगैरह हो गए इनको प्राइवेट करना इनको प्राइवेट कर दिया गया ठीक है या फिर इनके दोनों की पार्टनरशिप कर दी गई जिसको हम कहते हैं पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक है तो इसके अंदर ये मेन कंसेंसस हुए ठीक है सिंस नाइनटीन तक और देखिए इसको न्यू लिबरल फ़ेज भी कहते हैं क्योंकि देखिए जो डी रेगुलेशन है एंड जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स है करेंसीज़ का वो अभी भी चल रहा है ठीक है ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर और देखिए ये बेस्ड था ऑन द ऑर्थोडॉक्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट्स एज मॉडर्नाइजेशन एंड ड्राॅइंग ऑन द आइडियाज ऑफ न्यू लिब्रलिज़म सो ये था वाशिंगटन कंसेंसस आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि वाशिंगटन कंसेंसस था क्या एंड देखिए ये अभी भी चल रहा है नाइनटीन एट्टी से लेकर अभी भी ये एग्जिस्टेंस में है ठीक है न्यू लिबरल फेज के थ्रू एंड जो ब्रैटन वुड सिस्टम था वो बिल्कुल समाप्त हो गया वो बिल्कुल कोलेब्स हो चुका है ठीक है अब आइए बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ये भी एंड्री हेविड के अंदर से ही हैं ठीक है तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहला इसका जो मेन फीचर है मेन एक्सपेक्ट है मेन पहलू है वो ये है कि आज की दुनिया में फ्री फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होता है ठीक है सिंस 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के से ही ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट होनी हुई ठीक है ऑन एवरेज ग्रोथ एट डबल द रेट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन देखिए जितना आप प्रोडक्शन करते थे उससे डबल रेट के अंदर ये उभर कर सामने आई जैसे कि आप डॉलर सिक्स सिक्स ट्वेंटी नाइन मिलियन है नाइनटीन सिक्सटी तक और वो डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड मिलियन तक पहुंच गई टू थाउजेंड एटीन तक यानी कि बत्तीस गुना ज़्यादा देन ग्लोबलाइज प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कंजप्शन है देखिए कोई भी चीज़ है वो कहीं और प्रोड्यूस होती है कहीं और डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड कोई जो लोग हैं कहीं और दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो उसको कंज्यूम कर पाते हैं जैसे कि आप स्टारबक्स की कॉफ़ी की बात कर सकते हैं कि उसमें देखिए जो प्रोडक्शन है वो कहीं और होता है जैसे प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर ठीक है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कहीं और ठीक है या फिर आप कह सकते हैं देखिए जो इसके अंदर कॉफ़ी होती है कोको होता है वो कहीं ब्राज़ील से आ रहा है या फिर और अदर कंट्रीज से आता है ठीक है शुगर उसमें और कहीं से आती है एंड जो इसमें वाटर वगैरह या मिल्क वगैरह वो कहीं और से आता है ठीक है फिर वो और कहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है ठीक है और जैसे इंडिया जैसे लोग जो हैं उसको कंज्यूम कर पाते हैं कंजप्शन करते हैं तो इस प्रकार ये जो मेन लाइन है ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर या फिर ग्लोबलाइजेशन के अंदर ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन है वो यही है कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्शन इंटरकनेक्टिडनेस इंटर लिंकिंग ठीक है इंटर डिपेंडेंस दैन नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट जो एक्सपेक्ट है वो ये है कि ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि लेबर जो है उसका ग्लोबल डिवीज़न हो चुका है जो पीपल जिस चीज़ में एक्सपर्ट है ठीक है उसके बेसिस पर डिवीज़न होता है ओवरऑल ग्लोब ठीक है पूरे जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसके अंदर डिवीज़न होता है लेबर्स का ठीक है यानी कि जैसे कोई सिलाई करने में एक्सपर्ट है कोई पैकेजिंग में कोई कोई चीज़ बनाने में किसी कोई चीज़ इन्वेंशन करने में सैन एंड सो ऑन ठीक है इस प्रकार ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर है देन ग्लोबलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है यानी कि देखिए जो आज का फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरह ग्लोबलाइज्ड है ठीक है फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज़ हैं आप करेंसीज़ को किसी भी कंट्रीज़ की करेंसीज़ के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है करेंसीज़ का आप फ्री फ्लो कर सकते हैं ठीक है कैपिटल जो है इसका फ्री फ़्लो कर सकते हैं मनी का फ्री फ़्लो कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री देखिए आप बट जैसी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी करेंसीज़ का अपने मनी का एक एक कंट्री से अदर कंट्रीज़ तक ठीक है ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग दीज आर द ग्लोबलाइज फाइनेंशियल सिस्टम इन द डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखिए इसी के साथ कुछ इश्यूज भी हैं जैसे कि नॉन ग्लोबलाइज्ड इनविजिबल इकोनॉमी ठीक है ये जो है ये फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव मानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो नॉन ग्लोबलाइज है इनविजिबल इकोनॉमी है सो दीज आर द सम एस्पेक्ट ऑफ द या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा कि क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट हैं क्या डिफरेंट मीनिंग्स हैं क्या डिफरेंट पहलू हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के देन आइए अब लास्ट स्लाइड के अंदर हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स प्लस और माइनस फेवर और इन फेवर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के देखिए ये फाइनली फाइनली जो ये डिबेट है ठीक है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एंड्रू हेविड के द्वारा जो लिखी गई है ठीक है ये देखिए डिबेटिंग है कि डज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट प्रोस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल देखिए इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट करती है प्रोस्पेरिटी को एंड अपॉर्चुनिटी को सभी के लिए तो इसके अंदर देखिए फोर एंड अगेंस्ट के थ्रू इसमें डिबेट करी गई है ठीक है सो so आइए डिस्कस करते हैं प्लसज एंड माइनस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखिए अगर हम सबसे पहले प्लस पॉइंट्स को देखें या फिर जो फोर में जो इसके कंट्रीब्यूटर्स आए हैं ठीक है जो इसके डेफिनेशन्स आई हैं ठीक है उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है द मैजिक ऑफ द मार्केट ठीक है जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी को मानते हैं ठीक है जो प्रो जो प्रो ग्लोबलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो ग्लो, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ठीक है वो मैजिक है मार्केट का ठीक है यानी कि द इन द इनविजिबल हैंड एंड मैजिक ऑफ द मार्केट ये मानना है प्लस पॉइंट्स के अंदर ठीक है ये मानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इसने जनरेट करी है वेल्थ ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ठीक है जो प्रो ग्लोबलिस्ट हैं वो 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 कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ठीक है इसने वेल्थ को जनरेट करा है इसने प्रोस्पेरिटी को ब्रिंग्स करा है ठीक है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लाया है ये ठीक है तो ये है इसके फोर में फर्स्ट पॉइंट ठीक है या फिर आप कह सकते हैं इसके प्लस में फर्स्ट पॉइंट सो फ्रॉम एन इकोनॉमिक लिबरल परस्पेक्टिव द मार्केट इज़ द ओनली रिलेबल मीन्स ऑफ जनरेटिंग वेल्थ द शोरेस्ट गारंटी ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिस इज़ बिकॉज द मार्केट कंपटीशन एंड द प्रॉफिट मोटिव प्रोवाइड इनिशियेटिव फॉर वर्क एंड एंटरप्राइज एंड ऑल्सो एलोकेट रिसोर्स टू देयर मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज फ्राम द परस्पेक्टिव इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन द ट्रांस बॉर्डर एक्सपेंसन ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स इज अ वे ऑफ इंश्योरिंग दैट पीपल इन ऑल कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्राम द वाइडर प्रोस्पेरिटी एंड एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज डेट ओनली कैपिटलिज्म कैन ब्रिंक डैन इसमें सेकेंड पॉइंट जो है इसके प्लस पॉइंट्स के अंदर वो है एवरी वन इज़ अ विनर इसमें यह है कि हर एक जो है वह विनर है ठीक है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज डेट इट इज़ अ गेम ऑफ विनर्स एंड विनर्स ठीक है ये इनका मानना है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये एक तरीके का गेम है सिर्फ विनर्स एंड विनर्स के लिए ठीक है ऑल दो इट मेक्स द रिच रिचर इनका मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन है ये रिच को रिचर कर देता है एंड इट ऑल्सो मेक द पुअर लेस पुअर एंड साथ ही जो पुअर है ठीक है उसको लेस पूरा कर देता है यानी कि देखिए जिस जो स्किल बेस् जो एकदम जो एक, जो एक, एक आप सपोज़ कीजिए एक पीपल है जो बिल्कुल स्किल्ड है ठीक है उसको कुछ ना कुछ तो उसके अंदर टैलेंट है ठीक है उसको अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर उतारा जाता है तो वो और ज़्यादा रिच हो जाता है या फिर आप सपोज़ कीजिए सपोज़ कीजिए जैसे अंबानी है ठीक है जो कि रिलायंस जियो के रिलायंस जियो के हैं ठीक है वो रिच तो है ही लेकिन एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड ने उसको और ज़्यादा रिच बना दिया है ठीक है एंड देखिए पुअर जो है उनका जो पुअर है तो वो थोड़े और पुअर हो गए ठीक है क्योंकि वो जो रिच हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो गए हैं ठीक है एंड जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर हो गए हैं तो इस प्रकार ये एवरी वंस आ विनर इस पॉइंट्स को प्लस पॉइंट के अंदर मानते हैं ये मानते हैं कि जो ट्रांस नेशनल कॉपरेशन हैं उसने स्प्रेड कर दी है वेल्थ वाइडन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ये मानते हैं कि जो ट्रांसनेशनल कॉपोरेशन हैं या एम हैं ठीक है थीके, उन्होंने स्प्रेड करी है वेल्थ को ठीक है उन्होंने वेल्थ स्प्रेड करी है एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड करी है अपॉर्चुनिटीज लाए हैं वो पीपल्स के लिए ठीक है ये मानना है प्रो ग्लोबलिस्ट का देन इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इकोनॉमिक फ्रीडम प्रमोट अदर फ्रीडम्स जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो प्रमोट करती है अदर फ्रीडम्स को ठीक है यानी कि देखिए सोशल जो सोशो पॉलिटिकल फ्रीडम है जैसे कि डेस्पोटिज़म ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस इज़ वीकेंड एज इंडिविजुअल एंड सेल्फ एक्सप्रेशन देन डेमोक्रेटाइजेशन भी इसके अंदर आता है जिसके अंदर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेलिबरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के साथ देखिए इसमें कहा गया है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ सोसाइटीज़ को रिचर नहीं करता है रेदर एंड ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आल्सो ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स इनका ये मानना है कि सोसाइटी को रिच नहीं करता है बल्कि ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के साथ साथ पीपल्स को सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी प्रदान करता है तो ये कुछ इसकी इसके प्लस पॉइंट्स हैं इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं ठीक है जो डिबेट के अनुसार कुछ पीपल्स ने दिए हैं प्रो ग्लोबलिस्ट ने दिए हैं वहीं इसकी आलोचना में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं या फिर आप तो उनको कह सकते हैं मैनेस या फिर इन फेवर ठीक है या फिर अगेंस्ट ठीक है सो so इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि डीपनिंग पॉवर्टी एंड इन इनइक्वलिटी देखिए ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डीपनिंग आई है पॉवर्टी एंड एंड इनवलिटी के अंदर ठीक है जो गरीबी है एंड जो असमानता है ठीक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपनिंग आई है ठीक है क्राइटिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव ड्रॉन अटेंशन टू द इमरजेंस ऑफ न्यू एंड डीपली इंट्रेंसड पैटर्नस ऑफ इनक्वलिटी ग्लोबलाइजेशन इज द गेम ऑफ विनर्स एंड लूजर्स देखिए ये मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक गेम बनकर रह गया है विनर्स एंड लूजर्स के बीच का ठीक है क्रिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यू आर्ग्यूडेट द विनर्स आर ट्रांसनेशनल कॉपोरेशंस एंड इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट जनरली ये मानते हैं कि जो ट्रांसनेशनल कॉपोरेशन हैं एंड जो इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट हैं वो जनरली विनर्स हैं बट बट पार्टिकुलरली द यूएसए ठीक है वाइल द लूजर्स आर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर वेजेस आर लो ठीक है वहीं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो ये पुअर और पुअर को जो ये पॉवर्टी है इसको बढ़ावा देता है किस कारण कि जो वेजेस हैं पीपल्स को वो कम है ठीक है रेगुलेशंस है रे ज़्यादा हैं वीक और नॉन एग्जिस एग्जिस्टेंट के अंदर ठीक है वैंड वे प्रोडक्शंस इज इंक्रीजिंगली ओरिएंटेड अराउंड ग्लोबल मार्केट्स रैदर दैन डोमेस्टिक नीड्स सो दिस इज़ द डीपनिंग पावर्टी एंड इनक्वलिटी पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जिसके अंदर फॉर्म ऑफ न्यो कॉलोनियलिज़म है न्यो इम्पीरियलिज़म है पीपल्स मानते हैं कि जो ये ट्रांसनेशनल कॉपोरेशन हैं ठीक है ये अदर कंट्रीज़ पर अदर कंट्रीज़ में जाकर एफ़ करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि ये न्यो एम्परियलिज़म करते हैं न्यो कॉलोनीलिज़म करते हैं ठीक है तरीका अलग है लेकिन बात वही है ठीक है देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट है देखिए इस पॉइंट के अनुसार ये है कि इसने स्टेट एंड डेमोक्रेसी को होलिंग आउट कर दिया है यानी कि खोखला कर दिया है इसने स्टेट और डेमोक्रेसी को ठीक है इसने डिमिनिश कर दिया है इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स का जो नेशनल गवर्नमेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है उसको बिल्कुल कम कर दिया है डिमिनिश कर दिया है एंड देआर फॉर रेस्ट्रिक्ट पब्लिक अकाउंटिबलिटी ठीक है एंड जो पब्लिक अकाउंटिबिलिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है देन इंटरनेशनलाइजेशनस हुआ है स्टेट्स का सरेंडर हुआ है स्टेट का अथॉरिटी का टू ग्लोबल कॉपरेट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो कि रॉबर्ट कॉक्स भी कहते हैं ठीक है, है? वहीं ये इसने डिजास्टर कैपिटलिज्म को भी लाया है कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा डिजास्टर भी हुए हैं ठीक है लिंकेज है? है ये कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी एज अ मिथ का वहीं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कंज्यूमरिस्ट मेटरियलिज्म ठीक है एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये भी कैपिटलिज्म लाया है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन लाया है ठीक है इवन वेन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ सक्सीड इन मेकिंग पीपल रिचर जहाँ पर ये पीपल्स को रिचर करने में कामयाब हुआ है इट इज़ द लेस क्लियर डेट इट हैज़ इम्प्रूवड स्टेनलैस एंड रिचड द क्वालिटी ऑफ देयर लिव्स दिस इज बिकॉज इट प्रमोट एन एथिक ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड मेटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि देखिए हर जगह जो पीपल हैं उनके बीच सूनापन है ठीक है जो अब देखिए कोई भी ऐड आता है टी के अंदर ठीक है तो देखिए उस ऐड जैसे कोई बिस्किट का ऐड है या किसी और चीज़ का ऐड है तो हर पीपल की एक वांट होती है कि वो इस चीज़ को ले ठीक है बट मनी के कारण वो नहीं ले पाता है ठीक है जि फिर उसके अंदर हीन भावना जैसी भावना जो है वो प्रतीत होती हो, प्रतीत होने लगती है उत्पन्न होने लगती है ठीक है सो दिस इज़ बिकॉज इट प्रमोट एंड इथिक ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपनी चीज़ों को टी वी में एड दिखाते हैं उनको उनको जिससे कि वो चीज़ बिखें ठीक है एंड सो ऑन कल्चरल एंड सोशल डिस्टिंग डिस्टिंगटनेस इज लॉस्ड एज द पीपल द वर्ल्ड ओवर कंज्यूम द सेम गुड्स बाय फ्राम द सेम स्टोर एंड एंजॉय सिमिलियर वर्किंग प्रैक्टिसज एंड लिविंग कंडीशंस दिस इज

आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आए होगा कि क्या इसके फेवर हैं क्या इसके इन फेवर हैं क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं सो आई होप आपको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा क्या इसके डिफरेंट फेजेस हैं क्या इसकी डिफरेंट मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस हैं क्या इसके क्या इसके डायमेंशनस हैं ठीक है एंड क्या इसके अगेंस्ट हैं क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं एंड सो ऑन सो आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद चिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं कुछ आपके सजेशनस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टे इंडोर्स